हे व्हाट्सअप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू डी सेवन कोर्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में कि कैसे आप लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी बात भी कर रहे होंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्या होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्या होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और कैसे आप लोग खुद से पेन एंड पेपर की हेल्प से आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग कोड की बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर लास्ट वीडियो देख लेना यार इस कोर्स की, क्योंकि वहां पर हमने प्रॉपर बेसिक कवर किया कि क्या होता है इनफिक्स, क्या होता है पोस्टफिक्स। अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर है तो उसके बाद ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने रूल बताया यार आप लोगों को कि किस तरीके से अगर आप लोगों को इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है तो आप लोग उसे कैसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सारे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो जरा एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, एक एक करके इनफिक्स एक्सप्रेशन को ट्रैवल करना है, लेफ्ट से राइट तक इनफिक्स एक्सप्रेशन में जाना है। और जब भी आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो आप लोगों को चार चीजें मिलेंगी। ठीक है, वही चार चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, वो चार चीजें मिलेंगी। हो सकता है आप लोगों को एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए, हो सकता है कि आप लोगों को एक ऑपरेंड मिल जाए, हो सकता है कि आप लोगों को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को एक ऑपरेटर मिल जाए। तो इन चारों के केसेस में क्या क्या चीजें करनी है वो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग दीज रूल्स। तो कैसे करने वाले हैं, कैसे ये होने वाला है जरा समझते हैं। तो सबसे पहले यार इसमें एक एक करके हम ट्रैवल कर रहे होंगे और एक स्टैक मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, एक स्टैक है, तो यहाँ पर एक स्टैक बना लेते हैं। इस स्टैक के अंदर हमेशा दो चीज़ आएंगी, या तो ऑपरेटर आएंगे या फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं एक एक करके ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले हमें मिला ए। ए क्या है, ए एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो इसे हम ऐसे कैसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ए को हम यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट। ये जो चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं ये हमारी एक्चुअली आउटपुट है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आने वाली है। उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगले चीज़ है हमारी प्लस। प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर मिला तो क्या करने वाले हैं, ऑपरेटर मिला तो हम चेक करेंगे हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर दो। हाँ, हमारा स्टैक एम्प्टी है फिलहाल, तो इसके अंदर हम पुश कर देते हैं। इसके अंदर हमने ये प्लस पुश कर दिया। उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला क्या है, बी। बी बी क्या चीज़ है, बी एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो हमने देखा है प्रिंट करना है सिंपली, तो बी को हम ऐसे कैसे प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम अगले करेक्टर मूव करते हैं। अगला क्या है, अगला एक स्टार है। स्टार क्या है, स्टार एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर तो हम चेक करेंगे क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो हमारा स्टैक अब एम्प्टी नहीं है तो पुश नहीं करेंगे हम, एल्स में आएंगे। ठीक है, एल्स में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर विद द टॉप ऑपरेटर इन द स्टैक, तो हम टॉप ऑपरेटर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ पर होने क्या वाले यार, यहाँ पर हम ना लो से हाई प्रेसिडेंस मेंटेन करने वाले हैं स्टैक के अंदर, कि नीचे हमारा लो प्रेसिडेंस होगा, ऊपर हमारा हाई प्रेसिडेंस होगा। ठीक है, और हमें प्रेसिडेंस ऑलरेडी पता है कि प्लस और माइनस की लो प्रेसिडेंस होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की हायर प्रेसिडेंस होती है, और उसके बाद आप लोगों का जो ए रेस पावर बी वाला होता है, ठीक है, ऑर्डर उसकी हायर, उससे सबसे ज्यादा उसकी होती है, लेकिन उसको हम नहीं देखने वाले। इस तरीके से हमें ऑर्डर अपना मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो हमें मिला मल्टीप्लाई और यहाँ पर है टॉप में प्लस, तो मल्टीप्लाई की ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेसिडेंस है, तो हम इसे स्टैक के अंदर ऐसे कैसी पुश करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ हायर प्रेसिडेंस देन पुश, तो क्योंकि मल्टीप्लाई की ज्यादा है प्रेसिडेंस प्लस से, तो हमने पुश कर दिया। उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला है हमारा ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो सिंपली बस स्टैक के अंदर पुश कर दो। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो पुश इनटू द स्टैक, तो हम इसे स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं यार। हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हमने इसे स्टैक में डाल दिया। उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला है हमारा डी, विच इज एन ऑपरेंड। ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो डी को हमने यहाँ पर कर दिया प्रिंट। उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला है हमारा प्लस, तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर मिलता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं टॉप वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो टॉप वाले एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे कि हायर प्रेसिडेंस है क्या, तो यहाँ पर कोई ऑपरेटर तो है नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर इसे पुश कर सकते हैं क्योंकि कोई ऑपरेटर नहीं मिला, हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ऑलराइट, उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला है हमारा ई। ई क्या है, ई एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड मिलता है तो सिंपली हम बस इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं। अगला क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम क्या करते हैं, कीप पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंट टिल ओपनिंग ब्रैकेट इज फाउंड। ठीक है, तो तब तक स्टैक में से एलिमेंट्स को पॉप करते चलो जब तक कि आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, और उस चीज़ को आप प्रिंट भी करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉप करेंगे प्लस और प्लस को कर देंगे प्रिंट। उसके बाद हमें मिल गया ओपनिंग ब्रैकेट, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रुक जाएंगे हम। उसके बाद हम अगले एलिमेंट पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन खत्म हो चुकी है। तो एक बार जब आपकी सारी सारी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है तो आप नीचे वाले पे आओगे, वंस द एक्सप्रेशन इज फिनिश्ड कीप पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंट। ठीक है, तो एक बार आपकी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी तो आप स्टैक में से पॉप करते चलोगे, तो पहले आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिख दिया, फिर आया आपका प्लस, प्लस को लिख दिया, तो इस तरीके से आप लोगों का स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा और ये आपकी एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन ये होगी पोस्टफिक्स के अंदर। आप लोग सिंपल वो जो हमने पिछली वीडियो में रूल दिखा था उससे भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कि पहले आप ब्रैकेट को कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका डी ई प्लस, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई में कौन ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा बी देन मल्टीप्लाई एंड देन ए, और उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका यही बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका स्टैक वाला तरीका था, ये आपको नॉर्मल तरीका था। ये वाला तरीका देखना तो एक बार आप लास्ट वीडियो देख लेना। इसके बाद जरा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं, तो अगेन हमें एक स्टैक तो बनाना ही है, तो एक स्टैक बना लेते हैं।
इस टैग के अंदर हमें याद है ऑपरेटर और ओपनिंग ब्रैकेट ही डाल सकते हैं। तो एक एक करके ट्रैवल करते हैं। तो पहले हमें मिला एक ऑपरेंड ए, उसको हम लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपली। उसके बाद हमें मिले एक मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मिला तो हम चेक करेंगे टॉप के साथ, तो टॉप खाली है तो हम यहाँ पर इसे ऐसे कैसे पुश करने वाले हैं। उसके बाद अगला हमें मिला बी, बी मिला तो हमने सिंपली क्योंकि ऑपरेंड है तो प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें मिला डिवाइड, तो डिवाइड मिला तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई में किसकी हायर प्रेसिडेंस है। तो आपको याद होगा यार, जो पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई की तो सेम प्रेसिडेंस होती है, लेकिन जो पहले चीज़ मिलती है डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम, उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से पहले क्या था, पहले था आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ज़्यादा था तो इसकी हम हायर प्रेसिडेंस मानेंगे, और क्योंकि अब मल्टीप्लाई की हायर प्रेसिडेंस हो गया तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई को बाहर निकालते हैं, मल्टीप्लाई को यहाँ लिख देते हैं और डिवाइड को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो जब भी दो सेम प्रेसिडेंस के आपको मिलते हैं तो आप लोगों को जो पहले पड़ा हुआ था उसको हायर प्रेसिडेंस मानना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ज़्यादा प्रेसिडेंस माना और इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें मिला ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम इसको बस ऐसे कैसे पुश कर देते हैं। उसके बाद हमें मिला डी, डी एक ऑपरेंड है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हमें मिला प्लस, प्लस मिला तो कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए कोई ऑपरेटर ही नहीं है तो यहाँ पर हम लोग सिंपली प्लस को ऐसे डाल देंगे। उसके बाद हमें मिला सी, सी मिला एक ऑपरेंड है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें मिला एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो तब तक हम स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करते चलेंगे जब तक कि हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमें मिला पहले प्लस, प्लस को हमने पॉप किया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो हम यहीं कहीं रुक जाएंगे बस। उसके बाद हमें मिलता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई मिला और यहाँ पर पढ़ा हुआ है डिवाइड, तो अगेन सेम प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन पहले क्या पढ़ा हुआ था इसके अंदर, पहले था डिवाइड, तो डिवाइड को हम बोलेंगे कि ज़्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है। इस डिवाइड और इस मल्टीप्लाई में इस डिवाइड को हम ज़्यादा प्रेसिडेंस दे रहे होंगे, तो क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो इसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से और उसके बाद इस मल्टीप्लाई को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अगला है हमारा ई, ई मिल गया तो ई को हम ऐसे कैसे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है, और एक बार जब आपकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है तो आप एक एक करके एलिमेंट पॉप करते रहते हो और उनको आप ऐसे कैसे प्रिंट करते चलते हो, ठीक है। तो हमें मिला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका स्टैक एम्प्टी हो गया और ये एक्सप्रेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया यार कितना आसान है। आप लोगों को बस याद रखना है चार चीज़ें मिलेंगी और चारों चीज़ों को आपको इस तरीके से समझना है, उसके बाद फाइनली आपको बस स्टैक में से पॉप करते चलना है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब जरा समझते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन मिली हमें पोस्ट फिक्स वाली, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको एक गो में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या रहने वाला फंडा। तो अब जान लेते हैं क्या स्टेप्स होते हैं टू इवैल्यूएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। आप लोगों को एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी होगी और उसको आप किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो एक गो के अंदर, ठीक है। आपको एक बार ट्रैवल करना है, आपको किसी ओपनिंग ब्रैकेट की टेंशन लेनी, आप लोगों को किसी क्लोजिंग ब्रैकेट की टेंशन लेनी, आप लोगों को किसी प्रेसिडेंस की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही हैंडल हो चुका है एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये आपकी पहले एक इनफिक्स थी, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया था इस पोस्ट फिक्स के अंदर। अब जरा देखते हैं इस पोस्ट फिक्स को आप कैसे सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, वो समझ लेते हैं। तो उसके यार कुछ रूल होते हैं। अब आपको पता है इसको आप एक एक करके ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, एक एक करके आप ट्रैवल करोगे लेफ्ट टू राइट। अब आपको पता है कि इसके अंदर या तो आपको ऑपरेंड मिलेगा या ऑपरेटर मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है आपको, इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलने वाला। तो अगेन आप लोग एक स्टैक बनाओगे, लेकिन इस बार इस स्टैक के अंदर आप लोग क्या चीज़ पुश कर रहे होगे, इस बार स्टैक के अंदर सिर्फ ऑपरेंड पुश कर रहे होगे, ठीक है। आपको याद होगा इनफिक्स से जब पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो उस टाइम पर स्टैक के अंदर हम आपके ऑपरेटर और ओपनिंग ब्रैकेट को हम डाल रहे थे, लेकिन इस बार जब आप लोग इवैल्यूएट कर रहे होगे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, उस टाइम पर इस टैग के अंदर सिर्फ आपके ऑपरेंड ही डाल रहे होंगे। ऑलराइट, तो जरा देखते हैं किस तरीके सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हमें एक ऑपरेंड मिलता है तो उसको हमें स्टैक में पुश कर देना है। तो हमें मिला ए, ए एक ऑपरेंड है तो इसे हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। उसके बाद हमें अगले पर मूव करेंगे। अगला एक और बी मिला, बी क्या है, बी एक ऑपरेंड है तो इसको हम अगेन स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद हमें मिला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है तो ऑपरेटर मिलता है तो हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं स्टैक के अंदर से। पहले पॉप करेंगे तो पहले जो हमें चीज़ मिलेगी उसे हम बोलेंगे सेकंड एक्सप्रेशन बी, उसके बाद जो हमें चीज़ मिली वो होगी हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ए। उन दोनों को हम करेंगे इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करेंगे इस तरीके से, फर्स्ट ऑपरेशन ऑपरेंड ऑपरेटर देन सेकंड ऑपरेंड। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और आपको मिला है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो आप ये करोगे ए मल्टीप्लाई बाय बी करोगे, और क्योंकि आप लोग ये स्टैक में से पॉप कर चुके हो। उसके बाद इन दोनों को इवैल्यूएट करने के बाद पुश द रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक, तो ये जो आपको मिला ए मल्टीप्लाई बाय बी इसको आप स्टैक के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो आपके स्टैक के अंदर है ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगला हमें मिला डी, डी एक ऑपरेंड है तो ऑपरेंड तो आप इसे ऐसे कैसे ही पुश कर दोगे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो आपने स्टैक के अंदर डाल दिया डी। उसके बाद आपको मिला सी, सी भी एक ऑपरेंड है तो इसे आप ऐसे कैसे स्टैक के अंदर पुश कर दोगे। उसके बाद आपको मिला प्लस, तो प्लस मिलता है तो अगेन आप दो चीज़ों को बाहर निकालते हो, इसको हम बोलेंगे सेकंड, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, और फिर आप फर्स्ट ऑपरेटर सेकंड कर दोगे, ठीक है। तो आपका ऑपरेटर है डी, तो आप कर दोगे डी प्लस सी, ठीक है। तो डी प्लस सी करोगे, इन दोनों को पहले आप करोगे पॉप, उसके बाद आप करोगे डी प्लस सी, और उसका डी प्लस सी को भी आप ऐसे कैसे इस टैग के अंदर पुश कर दोगे।
उसके बाद हम अगले पर मूव करते हैं, अगला है हमारा डिवाइड। डिवाइड मिला हमें, तो डिवाइड मिलता है तो अगेन हम दो चीज़ों को बाहर निकालते हैं, तो इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे। ये होगा आपका सेकंड ऑपरेंड, ये होगा आपका फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। तो ए प्लस बी आपका फर्स्ट है, डिवाइड कर देंगे इस रिजल्ट को सी डी प्लस सी से, तो डी प्लस सी से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये ऑपरेंड बन जाएगा, ठीक है। ये बड़ा सा ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय डी प्लस सी, तो इस पूरे को आप इस टैग के अंदर पुश कर दोगे, ठीक है। तो सपोज करो आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पर पुश कर दिया, तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख देता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर मैं एक नंबर का एग्जाम्पल लेके चलता ना, तो आप लोगों को और अच्छे से मैं समझा सकता था। तो ऐसा करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा हमारा नंबर वाला ही होगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर पुश कर दिया। उसके बाद अगली चीज़ मिलती है मुझे ई, ई एक ऑपरेंड है, तो ई को हम ऐसे कैसे डाल देंगे। उसके बाद मुझे मिलता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मिला तो हम इसको पॉप करेंगे, ई को हमने करा पॉप, उसके बाद हमने इसको पॉप करा, तो ये हमारा होगा फर्स्ट ऑपरेंड, ये होगा हमारा सेकंड ऑपरेंड, फिर फर्स्ट ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑपरेंड कर देंगे, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय ई, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम वापस स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे जब ई से, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हमने वापस स्टैक में डाल दिया, और आपकी यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो चुकी है। अब मल्टीप्लाई के बाद कुछ बचा नहीं, तो जैसे आपकी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हो, वंस द एक्सप्रेशन इज फिनिश्ड रिटर्न स्टैक स्टैक डॉट पॉप। तो स्टैक डॉट पॉप करोगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको मिलने वाला है और वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आप देख रहे हो ये चीज़ आपकी यही कि इसी के बराबर है, ये चीज़ आप देख रहे हो इसी के बराबर बन गई। कैसे बन गई, पहले आपने क्या a मल्टीप्लाई बाय b, तो आपने पहले इस चीज़ को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर रहे हो आप d प्लस सी से, डिवाइड कर रहे हो आप d प्लस सी से, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो e से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर मैंने ए बी वेरिएबल्स में किया, अब जरा समझते हैं एक नंबर्स का एग्जांपल लेके किस तरीके से काम करता है। तो सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है, इस पोस्टफिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो ये है एक्चुअली, इसको मैंने कन्वर्ट किया है पोस्टफिक्स के अंदर, और आप लोगों को बोला कि इस पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करके बताओ। तो जरा इन रूल्स को लगा के इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्टैक बनाने वाले हैं, इस स्टैक के अंदर याद होगा आपको सिर्फ ऑपरेंड ही डलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले कैरेक्टर पे जाएंगे, ये है एक ऑपरेंड, ऑपरेंड मिला तो इसको हम डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, टू मिला टू हमने पुश कर दिया। अगला मिला सेवन, सेवन मिला, सेवन भी ऑपरेंड है, इसको हमने कर दिया पुश सेवन। अगला मिला प्लस, तो जैसे हमें प्लस मिलता है तो हम इसमें से पॉप करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑपरेंड जो होगा वो होगा टू, दूसरा होगा सेवन, तो पहला जो निकलेगा वो होगा सेवन जो कि सेकंड वाला माना जाएगा, उसके बाद हमें मिला टू जो कि फर्स्ट वाला माना जाएगा, और इन दोनों को कर देंगे हम प्लस क्योंकि प्लस मिला है हमें। सेवन प्लस टू करने पे हमें मिलता है नाइन, तो सेवन और टू को हमने बाहर निकाला, उसके बाद नाइन मिला, नाइन को हमने वापस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इवैल्यूएट हो चुका है, अब हम आएंगे अगले पे। अगला मिला हमें थ्री, थ्री एक ऑपरेंड है, तो थ्री को हम ऐसे कैसे डाल देंगे। उसके बाद हमें मिलता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मिला एक ऑपरेटर है, तो पहले हम बाहर निकालेंगे, तो हमने निकाला बाहर थ्री को, उसके बाद हमने बाहर निकाला नाइन को, थ्री को बाहर निकाला, नाइन को बाहर निकाला, कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन को हमने इसमें डाल दिया और हम अगले पे मूव कर गए, ठीक है। अगला हमें मिला टू, टू मिला तो टू को हमने डाल दिया ऐसे कैसे ही। उसके बाद हमें मिला माइनस, तो माइनस मिलता है तो पहले हम बाहर निकालेंगे टू को, ये होगा हमारा सेकंड, उसके बाद हम बाहर निकालेंगे ट्वेंटी सेवन को, ये होगा हमारा फर्स्ट, ट्वेंटी सेवन माइनस टू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें मिलेगा फाइव, फाइव मिला तो हमने फाइव को यहाँ लिख दिया, उसके बाद हमें मिला डिवाइड, डिवाइड मिला तो हम बाहर निकालेंगे फाइव को, ये होगा हमारा सेकंड ऑपरेंड, मिला हमें 25, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, हम कर देंगे इसे डिवाइड, तो 25 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 5 होता है, तो 5 को हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। तो अब हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 5 बचा है और हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। एक बार जब हमारी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है तो हम रिटर्न कर देते हैं स्टैक डॉट पॉप, तो स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो हमें मिलेगा 5, तो इसका आंसर जो है वो 5 है। आप लोग चाहो तो इवैल्यूएट भी कर सकते हो, आपका यहाँ पे 5 आने वाला है। 2 प्लस 7 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 माइनस 2 इज 25, 25 डिवाइड बाय 5 आपका होता है 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फायदा क्या हुआ पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का, कि ना तो आपको प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ा, ना आपको ओपनिंग ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ा, आपने सिर्फ एक बार लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल किया, एक एक करके सब चीज़ों को देखा और आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों ने इसको एक तरीके से बिग ऑफ एन में सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को। तो इस तरीके से आप लोगों की पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस काम करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। आप लोग कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर करके देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों का बसता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, कि आप लोग कैसे इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे आप लोग उस प्रीफिक्स को सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत सिमिलर है यार इसके, ठीक है, पोस्टफिक्स से सिमिलर है, इस वीडियो के बिल्कुल सिमिलर वो रहने वाला है। तो वो मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोगों को उसका मैं कोड दे दूंगा अगर आप लोगों को समझना है फिर भी, तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे स्टैक के अंदर। हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए एक्चुअली इस डीएसए 1 कोर्स के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने फॉलो किए तो बहुत ही बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की आगे वाली जर्नी के लिए। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।